Hello and welcome to BYJU'S exam prep. Welcome to this very short and very relevant session जहाँ पे आज हम बात करेंगे कि यूनिट वाइज कौन से टॉपिक्स पर या फिर कौन से यूनिट्स पर आपको फोकस करना है वाइल रिवाइजिंग. स्टूडेंट्स योर एग्जाम इज अप्रोचिंग, इट इज़ वेरी नियर. 11 दिसंबर को आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है एंड एट दिस टाइम फ्यू डेज बिफोर योर एग्जामिनेशन आप फोकस कर रहे होंगे रिविजन और प्रैक्टिस पर. सो टू मेक इट मोर ईजी, टू मेक इट मोर वर्थ इट, आई एम हेयर विथ सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स कि आपको कौन से यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड क्या वेटेज है यूनिट वाइज टॉपिक्स का. सो लेट्स बिगिन. बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने BYJU'S एग्जाम प्रेप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब बिकॉज यहीं पर आपको मिलेंगे सारे लेटेस्ट अपडेट एंड सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने इस क्लास को पूरा एंड तक देखा एंड यू आर लाइकिंग इट दिस सेशन सो डू शेयर इट, डू लाइक इट and spread the word amongst your friends so that everyone can get benefit of it. Students, चलिए शुरू करते हैं कि आपके 10 यूनिट में से कौन से यूनिट से कितने सवाल आते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको देने वाली हूँ यूनिट वाइज ब्रेकेज ऑफ द क्वेश्चंस इन योर नेट एग्जामिनेशन आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस. बट मेक श्योर कि ये आपका ऑन एन एवरेज डेटा के बेसिस पे मैंने कलेक्ट किया हुआ है. ये ट्रेंड आपको चेंज होता हुआ भी दिखता है बट बहुत ड्रास्टिक चेंज हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. ओके, सो ये डेटा आप तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, कंपैरिजन के लिए आपके पास है बिकॉज आपको अभी कौन से यूनिट्स पे कितना फोकस देना है वो आपको इस डेटा के थ्रू हेल्प मिल जाएगी. सो लेट्स बिगिन. आई एम चांदनी मूलचंदानी, योर फैकल्टी फॉर UGC नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 एट द प्लेटफॉर्म ऑफ BYJU'S एग्जाम प्रेप. स्टूडेंट्स, फॉर ऑल द अपडेट्स एंड ऑल द मॉक्स क्विजेस कॉन्टेंट आप हमें टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर है. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले यूनिट वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं. सो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि यूनिट वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास 10 यूनिट्स हैं और 100 क्वेश्चन हैं. ऑन एन एवरेज हर यूनिट से 10 सवाल हैं बट इस समय जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं कि 10 हर यूनिट से 10 सवाल, सारी यूनिट्स को इक्वल टाइम देना है, इक्वल प्रिपरेशन करनी है. बट इस समय मैं आपके सामने थोड़ा सा डेटा प्रेजेंट करके और आपका काम आसान करने का प्रयास कर रही हूँ क्योंकि अभी आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी को और ज्यादा स्मार्ट करना है ना, स्मार्ट स्टडी पर फोकस देना है. तो अगर आप डेटा देख सकते हैं यूनिट 1 से 12 सवाल लगभग, यूनिट 5 से 12 सवाल और यूनिट 7 से 12 सवाल आपको देखने को मिले हैं. सबसे कम आपको यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 8 से 6-7 सवाल देखने को मिल रहे हैं. तो आप अपनी तैयारी को ऐसे प्रायोरिटाइज करोगे कि आप यूनिट 1 और 2 साथ में जाता है, गो हैंड इन हैंड, 1, 2, 5, 7 को सबसे पहले रिवाइज कर लो एंड मेक श्योर कि जो 10-12 सवाल इस यूनिट से आ रहे हैं वो आपके कभी भी गलत ना हो. देन यूनिट नंबर 6 और 7 को आप लास्ट में रख सकते हो या फिर कम समय दे सकते हो रिविजन में, 6 और 8 को. देन आफ्टर दैट कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से आपको 10 सवाल देखने को मिलते हैं बट कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं या फिर ये यूनिट रिवाइज करने में बहुत टाइम लगता है तो आप क्या करेंगे, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के वो टॉपिक्स जो कि आपके लिए आसान है, जो कि आपको आते हैं या जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जैसे कि अप्रोचेस टू कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, इनको आपने फटाफट रिवाइज कर लिया एंड यू आर श्योर कि इससे कोई सवाल आएगा तो मेरा सॉल्व हो जाएगा. बाकी कुछ टॉपिक्स जिनसे बहुत ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है या फिर वो टॉपिक्स डिफिकल्ट है तो उन टॉपिक्स को आपने थोड़ा बहुत देख लिया जो भी आपके नोट्स पे हैं और बाकी छोड़ दिया क्योंकि अगर क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, डाइवर्स आ रहे हैं तो वो अभी समय नहीं है कि आप न्यू टॉपिक्स को कवर कर पाए. ठीक है, सो दिस शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर योर एग्जाम. यूनिट वाइज थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं. सबसे पहले है यूनिट नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी. यूनिट नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी में आपको क्या करना है, यूनिट नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी एंड यूनिट नंबर 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स या फिर पॉलिटिकल थॉट्स के नाम से आप जानते हैं, इन दोनों को आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही फटाफट क्विकली रिवाइज कर लेना है क्योंकि अगर देखिए ये दो यूनिट्स आपकी हो जाती हैं, अगर आपकी ये दो यूनिट्स हो जाती हैं यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 तो आप ये समझो कि आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिलेबस का पार्ट कवर हो जाता है. यूनिट 1 एंड 2 हो गई, आपके 20 से 22 क्वेश्चंस डन है ना, और 1 एंड 2 आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं. ठीक है, यूनिट 3 इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं यूनिट 3 के, सो डू नॉट वरी बिकॉज यूनिट नंबर 3 में क्या होता है, गांधी, नेहरू,
अंबेडकर, ये सब हमने बहुत पहले अपने स्कूल्स कॉलेजेस में भी पढ़ा होता है। तो जनरली स्टूडेंट्स को यूनिट 3 में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होती, तो आप फटाफट इसका रिविजन करके इसको किनारे रख सकते हैं। देन कम्स यूनिट 4 कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। मैंने आपको बताया है 4 में क्या करना है। 4 में आपको क्या करना है, 4 में आपको ध्यान देना है कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो एटलीस्ट अप्रोचेस हो गए, थ्योरीज ऑफ रेवोल्यूशंस हो गए, नेशनलिज्म हो गया, इन टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो गलत ना हो, ठीक है। जो आपके कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके नोट से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके गलत ना हो। देन कम्स 5 and 6 IR एंड फॉरेन पॉलिसी। इसको भी मैं कहूँगी आप साथ में पढ़िए, एंड आप साथ में पढ़ेंगे तो आपका जो फिर से हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिलेबस का पार्ट होता है वो आपका कवर हो जाएगा, है ना। आपका यूनिट नंबर 5 और 6 अगर आपने साथ में कर लिया तो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट अगेन सिलेबस का पोर्शन कवर हो जाएगा। जैसे कि आप फिर से यहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चंस आपके सही कर सकते हो 2 units रिवाइज करने पे, और ये दोनों भी आप एक दूसरे के साथ यूनिट्स लेकर के और रिवाइज कर सकते हैं। देन कम्स आपका यूनिट नंबर 7। तो यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपका ऐसा नहीं है ना कि आपने प्लेटो का पूरा थॉट पढ़ा और खत्म, मतलब इर्द गिर्द बटे हुए हैं क्वेश्चंस, यहाँ वहाँ तितर बितर है। तो इनको आप रिवाइज या तो सबसे शुरू में या तो सबसे एंड में कर सकते हैं 7 और 8 को, ठीक है। नाउ 8 में तो बहुत सारा डेटा ऐसा है पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया में जो कि आपके डेटा में आपको प्रॉब्लम हो रही है, है ना। तो क्यों? क्योंकि बहुत ही यहाँ वहाँ से आपको डेटा देखने को मिलता है, इसलिए आपको डेटा में प्रॉब्लम हो रही है इन यूनिट नंबर 8। तो अब आपको क्या करना है ऐसे डेटा के लिए, ऐसे डेटा के लिए स्टूडेंट्स आपको प्रीवियस इक्वेशंस को रिफर करना है, एंड एज मच प्रीवियस इक्वेशंस यू आर रिफरिंग टू दैट मच डेटा यू विल बी एबल टू कलेक्ट, एंड दैट मच क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस या फिर आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट नंबर 8 यू विल बी एबल टू सॉल्व, ओके। Now let's move to unit number, just a minute, yep. Anji, now let's move to unit number 9, and unit number 9 आपकी जो है students, unit number 9 में आपको देखने को मिलता है, again, हम थोड़ा सा data की तरफ चलते हैं, द डेटा विच आई शेयर विद यू। अगेन आपको 9 सवाल देखने को मिल रहे हैं, लगभग 9 से 10, और इधर 8 से 9। तो पबैड और गवर्नेंस को भी आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, ये भी यूनिट्स आप इंडिपेंडेंटली कवर कर सकते हैं 9 and 10, ओके। तो आई होप आपको थोड़ा सा रिविजन किस डायरेक्शन में करना है, कैसे करना है, इसका आइडिया लगा होगा, एंड आई होप कि अब आप अपने 1, 2 को 2 दिन बैठ के खत्म कर लोगे, 5, 6 को 2 दिन बैठ के खत्म कर लोगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, अपने रिविजन की स्ट्रैटेजी को आप मोल्ड कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, और आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे, आप अपने रिविजन को जारी रखेंगे, एंड विद दिस आई विल टेक बिड अड्यू फ्रॉम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। और भी ऐसे क्लासेस, ऐसे सेशंस आपके सामने आते रहेंगे। डू सब्सक्राइब टू बायजूस एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल फॉर सच कंटेंट एंड सच डेटा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।